अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार एक रूमर चल रही है अबाउट जेम्स फॉकनर के, जो जेम्स फॉकनर है बड़ी बदतमीजी करी है, शीशे वीशे तोड़े हैं। और मैं आपको सीन बताता हूँ हुआ क्या। सबसे पहली न्यूज़ ये कि पीएससीबी सही है, पीसीबी और जितने भी 6 फ्रेंचाइजीज है, इनका ऑफिशियल डिसीजन ये है कि जेम्स फॉकनर को कभी भी अब पीएसएल के ड्राफ्ट में इसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ जेम्स फॉकनर ने किया क्या है। सबसे पहले तो जेम्स फॉकनर ने क्वेटा की जो ग्लैडिएटर की जो टीम है इसके मैनेजमेंट से ऑफशोर बैंक अकाउंट में बोला कि भाई मुझे पेमेंट दो, पहली पेमेंट दे दो, जितने भी पीएसएल के मैच है मुझे पहली पेमेंट दे दो। फिर उसने डुप्लीकेट पेमेंट का बोला कि मतलब इस पेमेंट के बाद मुझे एक और पेमेंट देना, वो भी डायरेक्ट मेरे ऑस्ट्रेलिया के बैंक अकाउंट में, ठीक है। फिर उसने कहा कि अगर मुझे नहीं देते हो मेरी पेमेंट तो मैं फील्ड पर नहीं जाऊँगा, जिसकी वजह से वो एक दो मैच में भी ड्रॉप हुआ है। गुस्सा उसको इतना आ गया, तब उसको इतनी चढ़ गई कि उसने पीसी जो होटल है लाहौर का, उसका जो फानूस लगा हुआ था उस पर हेलमेट मारा बाकायदा, मैं तस्वीरें लगा दूंगा। और ये सब ना बंदा अपने होशो आवाज़ में नहीं कर सकता, कंफर्म वो ड्रंक किया हुआ है। जब उसको पता चला कि यार हम मेरे ख़िलाफ़ ये एक्शन हो रहा है, हर जगह स्टेटमेंट लग रही है कि भाई कि मैं पिया हुआ था, मैं ड्रंक था, तो उन भाई की इतनी हटी कि जाते जाते उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज करी, वो भी एयरपोर्ट के स्टाफ से भी, ठीक है। तो मैं आपको आपको बताता चलूँ, जितने भी यहाँ पे देखने वाले हैं मेरे व्यूवर्स हैं, एक तो हैशटैग यूज़ करना चर्सी फॉकनर के नाम से, ये हैशटैग इतना चलाना सारे पाकिस्तान, ताकि इसको इसकी औकात पता चल जाए कि इसकी औकात क्या है। फॉरेन क्रिकेटर हम लोग का मसला है कि हम लोग इनको ना ज़्यादा सर पर बैठा लेते हैं, ठीक है। जिसकी क्रिकेट ही नहीं बची हुई उसको हम अपने मुल्क में बुला के एज अ फॉरेन प्लेयर खिला रहे हैं, और ऊपर से तुम पूरी लीग के पैसे पहले ही मांग रहे हो और टीम में तुम्हारी जगह नहीं बन रही, परफॉर्मेंस तुम्हारी ज़ीरो है, उसके बावजूद तुम चाह रहे हो कि मुझे पैसा मिल जाए। तो ऐसे ग्रीडी लोगों को और ऐसे दो नंबर प्लेयर्स को पीसीबी को चाहिए, इनको तो बैन अलग से करें और इनके खिलाफ़ एक केस भी दायर करें कि इसने इतनी बड़ी जो हमारी लीग है पीएसएल है इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे करा। इसको ऐसे जाने नहीं देना, डिपोर्ट तो इसको कर ही दिया है आप लोगों ने, लेकिन इसके खिलाफ़ हैशटैग चलाओ, कोशिश करो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ, इसको अपनी औकात पता चले कि इसने किसी मुल्क में जाके क्या हल करा है किसी मुल्क।